का इतना मोह पड़ गया उस मृग बालक में कि अब उनको वो हर वक्त चाहिए। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, मने वो एक मिनट के लिए भी उसको आंखों से ओझल ना होने दे। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होता है। अब एक दिन वो कुटिया के बाहर खेल रहा था। भरत जी अपनी कुटिया में पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनको लगा कि तैयारी के बाद उसे अंदर ले आऊंगा और साथ में बैठकर फिर पूजा करेंगे। बाहर मृगों का समूह आता है, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा इतना, वो चला गया। तैयारी के बाद भरत जी बाहर आते हैं, देखते हैं तो मृग बालक कहीं नहीं दिख रहा। पागल हो जाते हैं, पागलों की तरह वन में घूम रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। वापस ढूंढना मुमकिन है क्या? पहले के जंगल कितने घने होते थे, कहाँ ढूंढेंगे। फिर भी वो बहुत ढूंढते हैं पर उनको कहीं नहीं मिलता। समय बीतता है, साल बीत गए, उनका अंत समय आया। अंत समय में भी उनके मुख में एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ गया। जब भगवान का नाम लेना चाहिए था तब भी उनके मुख में केवल उस मृग बालक का नाम है। कहते हैं जिस अंत समय में जिसका नाम लो वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है भगवान का नाम लेना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। तो दूसरी योनि उनको मृग योनि प्राप्त हुई, पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनको सब याद था, उस मृग योनि में वो सही समय पर उठते, सही समय पर स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मण की दो पत्नियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बहुत सीधे बालक हुए। कुछ समय बाद ही माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है वरना आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत, कैसी दिक्कत? शिक्षा आपको समझाती है कि आपके हक क्या है, इसीलिए शिक्षा जरूरी है।